कृपया हरि कीर्तन मूर्ति धर्म धरणी वर हारक गौर जन जनकादिक वासल सिद्ध पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, जगतवासी परम सत्य वस्तु से धीरे धीरे बहुत दूर हट रहा है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, जगतवासी परम सत्य वस्तु से धीरे धीरे बहुत दूर भाग रहा है। वे लोग परम सत्य वस्तु से इतना दूर चले गए हैं जे ये ऐसा हालत पैदा हुआ कि ये लोगों का सामने अप्राकृत जगत का एब्सोल्यूट ट्रूथ का बारे में बोलने जाओ तो वो लोग भयभीत हो जाता है। ये सब बात का क्यों दरकार है? इतना दूर दफा हो गए हैं लोग, इन लोगों का सामने अप्राकृत जगत का एब्सोल्यूट ट्रूथ का बारे में बोलने जाओ तो वो लोग भयभीत हो जाता है। एक दफे पोपा जी ने बताएं जे कपट व्यक्ति बद्ध जीव कपट व्यक्ति अप्राकृत गौड़ीय सदन संकीर्तन सदन में ज़्यादा दिन कपट के कपट भाव लेकर रह नहीं सकता। पोपा जी ने बताएं ये अप्राकृत गौड़ीय संकीर्तन सदन में कपट व्यक्ति प्रतिष्ठाशा के पीछे जो भाग रहे हैं बद्ध जी ज़्यादा दिन कपट भाव लेकर ये संकीर्तन सदन में ये लोगों के लिए रहना वो संभव नहीं है। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर देम। एक्चुअली एब्सोल्यूट का बारे में बोलने जाओ तो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में आपको जाना है। विदाउट रीचिंग दैट एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म यू हैव नो राइट टू स्पीक अबाउट दैट एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म। वेरी ऑफन प्रभुपाद यूज्ड टू स्पीक दोज हु आर प्लेटफॉर्म स्पीकर, जो लोग प्लेटफॉर्म स्पीकर है वो लोगों का लिए प्रचार संभव नहीं है। अ फ्लैटरिंग पर्सनैलिटी कैन नेवर बिकम ए प्रीचिंग पर्सनैलिटी। सब कोई का चरण में तेल लगाने वाले कभी अप्राकृत जगत का एब्सोल्यूट जो तत्व है ये सब बताने के लिए ये लोगों का पास हिम्मत नहीं है। अक्सर प्रभुपाद जी बोलते थे अगर भगवत चरण में गौर सुंदर के चरण में 100% विश्वास शरणागति नहीं है तो अप्राकृत जगत का ये एब्सोल्यूट कथा बोलने जाओ ये संभव नहीं है, बोल नहीं पाएगा क्योंकि भयभीत हो जाएगा। हम ये सब जीव बोलने जाए श्योरली दे आर नॉट गोइंग टू वर्शिप मी, हमको तो पूजा नहीं करेगा। इतना कट्टर बात बोले तो पूजा नहीं करेगा मेरे को। प्रभुपाद जी ने बार बार बताते थे जो ठाकुर जी का संतुष्टि विधान करना टू सीक द सेटिस्फैक्शन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ एब्सोल्यूट सुप्रीम लॉर्ड एंड टू सीक द सेटिस्फैक्शन ऑफ कॉमन पब्लिक नॉट सेम। आम आदमी को रिझाना और भगवान का चरण कमल में संपूर्ण सम्मक संतुष्टि विधान का प्रचेष्टा ये दोनों एक नहीं है। गौड़ीय मठ का स्लोगन है, प्रभुपाद जी ने सिखाए, गौड़ीय मठ का स्लोगन है परम विजयत श्रीकृष्ण संकीर्तनम। दैट इज द स्लोगन ऑफ गौड़ीय मठ। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। संकीर्तन यज्ञ
जो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास अंगन में प्रज्वलित किए हैं, ये संकीर्तन जगत में गौड़ी मठ का एक एक वास्तव साधु, नकल साधु नहीं है, जो प्रभुपाद के लिए अपना जीवन जिंदगी देने के लिए वादा किया, आई प्रॉमिस आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ फॉर प्रभुपाद फॉर द कॉज ऑफ द एक्चुअल प्रीचिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु, ये जी ऐसा कसम जो खाए हैं ये सब भक्त लोग, ये संकीर्तन यज्ञाग्नि में अपना जीवन जिंदगी को निछावर करने के लिए तैयार बैठा है, दे आर ऑलवेज रेडी टू डाई एनी टाइम। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का जो प्रीचिंग है ये समझना कोई मामूली बात नहीं है। प्रभुपाद जी इसलिए अक्सर बताते थे, ए फ्लैटरिंग पर्सनैलिटी कैन नेवर बिकम ए प्रीचिंग पर्सनैलिटी, इसीलिए बताते थे। शरदेन्दु राय बोल के कोई विशेष आदमी प्रभुपाद जी को तारीफ करके प्रशंसा करके बता रहे हैं, प्रभुपाद जी विद इन वेरी शॉर्ट टाइम यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश 50 मठ गौरी मठ। प्रभुपाद स्पीकिंग, व्हाट यू मीन? आई वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश गौरी मठ इन टू द हार्ट ऑफ होल एवरीबॉडी, ये गौरी मठ का प्रतिज्ञा है। गौरी मठ चाहता है कि हर कोई का हृदय में गौरी मठ प्रकाशित हो जाए। चैतन्य मठ कोई ईंट पत्थर का बनावट नहीं है, चैतन्य मठ इज द नॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ सैंड एंड ब्रिक्स। चैतन्य मठ चेतन का अधिष्ठान है, चैतन्य मठ चेतना का पूर्णतम विकास है, पूर्ण विकास नहीं, द सोर्स ऑफ होल चैतन्य। दैट्स वाई प्रभुपाद यूज टू स्पीक चैतन्य मठ इज इक्वल टू आइडेंटिकल विथ चैतन्य महाप्रभु, पूर्ण चेतन चेतना का पूर्ण उत्स है चैतन्य मठ। वहाँ चैतन्य महाप्रभु का जितना सारे अप्राकृत इंद्रिय है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सेंस ऑर्गन है, इट इज नॉट लाइक यू। आम आदमी इतना बूका है, दे आर सो फूलिश, दे डोंट अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु परात्पर अखिलेश्वर भगवत तत्व भगवान स्वयं, इंद्रियाणि यस्य सकलेन्द्रिय वित्तमन्ति पश्यन्ति पन्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति, ये जो सूत्र है ब्रह्म संहिता में, भगवान का किसी भी इंद्रिय दूसरा किसी इंद्रिय का काम कर सकता है। भगवान कैन ईट विथ आईज, आँखों के द्वारा खा सकता है, कानों के द्वारा देख सकता है। इसीलिए अपानी पादम जबनो गृहिता पश्यति चक्षु श्रृणति कर्ण इत्यादि श्लोकों का, उपनिषद का श्लोक जो है इसका व्याख्या आता है। सर्वम भट्टाचार्य जो महाप्रभु का साथ बहुत सारे चर्चा हुआ है, सबसे बड़ा दुख की बात है, एट प्रेजेंट वी हैव नो टाइम फॉर हरिकथा हरि कीर्तन। वी कैन डू एवरीथिंग बट वी हैव नो टाइम फॉर हरिकथा हरि कीर्तन, दैट्स वाई वी आर डेड बॉडी, वी आर एक्चुअली डेड बॉडी, मोबाइल डेड बॉडी। प्रभुपाद जी ने बताए, प्राण अच्छे जार सहित प्रचार, प्राण नहीं है तो क्या प्रचार है, प्रचार क्या चीज करोगे, ड्राई फिलोसॉफी? यू आर गोइंग टू प्रीच सम ड्राई फिलोसॉफी इन फ्रंट ऑफ दोस इडियट पीपल, फुलिश पीपल, दे आर गोइंग टू टेक सम एडवांटेज आउट ऑफ देयर रेड क्लॉथ व्हाइट क्लॉथ, दे वॉन्ट टू यूटिलाइज देयर गुरुदेव फॉर देयर ओन बेनिफिट, प्रतिष्ठा। सी आई एम द डिसाइपल ऑफ यू नो भक्ति पवन पुरी गोस्वामी महाराज, सो यू हैव टू वर्शिप मी, गिव मी गार्लैंड, फुलिश यू आर, दैट इज द पोजिशन एट प्रेजेंट। हरिकथा हरि कीर्तन के लिए वी हैव नो टाइम एट प्रेजेंट,
That's why you are dead body, mobile dead body. लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया था जो हमारा चैतन्य मठ का एक एक जो भक्त है दे आर ऑल मोबाइल गौरियमठ एनी वेयर दे आर गोइंग गौरियमठ कैन अपियर देयर इट्सेल्फ किसी भी चले जाए वहाँ गौरियमठ स्वयं प्रकाशित हो जाए प्रभुपाद जी ने बताए शारदानंद बाबू व्हाट यू आर स्पीकिंग क्या कह रहे हो हमने 50 मठ बना दिया क्या क्या बड़ा काम किया क्या आई वॉन्टेड रेदर आई वॉन्टेड टू मेक 50 मोबाइल गौरियमठ 50 गौरियमठ बनाया क्या है अब देखो उसका यूटिलिटी क्या है यू गो एंड सर्च व्हाट एक्चुअल बेनिफिट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर एक्सेप्ट चानारसा एंड पुष्पान्न एंड परमान्न दैट यू कैन एक्सपेक्ट All Guru Varg are gone, we are filling some vacancy, null and void. Fill up the blank. Kun kare? Phir Prabhupada ka kripa dhanno koi aaye. Ab aaye bhi usko bhi laat laga gaya. Bale jao. Jiska paas wo power hai na, usko laat laga ke bhaga denge. Do, idhar mat katha bolo. Dega nahi. That kind of politics going on. Yehi chal raha hai, dirty politics. कि कोई सहन नहीं कर सकेगा भूतों का सामने राम का नाम बोलो तो चिढ़ जाएगा भूत चिढ़ जाएगा भूत उतर जाएगा ना अब भूत अगर ना उतारे भजन कैसे करोगे प्रभुपाद जी ने इसलिए बताया कि देखो प्रभुपाद जी ने इसलिए बताया कि गुरुचरण में प्रतिष्ठित नहीं होने से गुरु तत्व में गुरु सेवा में कभी भी हरि भजन शुरू नहीं हो सकता वी कैन एक्ट दैट वी आर डूइंग भजन एक्चुअल भजन इज नॉट पॉसिबल यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ मी अ सफिशियंट टाइम सो आई एम बाउंड टू स्टॉप एक्सक्यूज मी बांछा कल्पतो कृपा सिंधु पतितानं पावन भवेश्वर